तो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ मी। तो आज मैं बना रही हूँ सैंडविच, ब्राउन ब्रेड ले रखा है मैंने सैंडविच के लिए और साथ में मैंने लिए है खीरे, खीरे के स्लाइसेस। ये मैंने जो होता ना कट करने वाला वो उससे से कट किया है, क्या बोलते हैं। साथ में मैंने लिया है ये आलू का मसाला, आलू को बॉयल करके उसमें मैंने प्याज, धनिया पत्ता, नमक, मिर्च ऐड किया है और हल्दी ऐड किया, तो उसका मसाला मैंने तैयार किया है। साथ में मैं कट करूँगी इसमें टमाटर बारीक करके, उसको चीनी में उसमें कट कर रही थी लेकिन हो नहीं पाया इसलिए मैं अब उसको चाकू से कट कर रही हूँ। अब मैंने इसमें साथ में ले रखा है इसमें चटनी जो मैंने घर में बना रखी है। चटनी है ये पुदीना, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन और नमक दे के। साथ में मगर से मैंने इसमें ऐड किया नींबू टेस्ट कराने के बाद में। और उसमें लेप के लिए मैंने की लेप में इसकी जिसमें कोटिंग के लिए ले रखा है मैंने सॉस, टमाटो केचप है ये। आप चाहे तो मेयोनीज भी ले सकते हो अगर आपके पास है तो, मेरे पास तो नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया, तो फिलहाल तो मैं इसी से काम चलाऊंगी। अभी मैंने यहाँ पर टेस्ट करने को दिया सनी को चटनी, बहुत तीखी हो रही है, फिर से मैंने नींबू ऐड किया था उसके बाद ओके हो रही थी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना कोटिंग। तो पहले मैंने स्लाइस ले रखे ब्रेड के, इसमें पहले मैंने लगाया ग्रीन चटनी। तो गाइस जब तक मैं इसको लगाती हूँ तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें लाइक और कमेंट और शेयर कर कीजिएगा। और इसके बाद सब और जो ये गाइस जो ब्रेड आप देख रहे हो ये हमारे यहीं पर लोकल में ही है ला कफ़ी बोल के, उसमें ये लोग घर में अपनी दुकान में ही बनाते हो, काफ़ी अच्छा है, किंग साइज ब्रेड है, बड़ा ब्रेड है। इसमें अब मैं ऐड कर देती हूँ आलू का जो मैंने मसाला बनाया था वो, साथ में खीरा, खीरे और टमाटर लगाने में जो है बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं, ये जो हेल्प कर रहा है वो है हमारी श्रेया जीना और जो कैमरा मैन है वो है सौर्य जीना। अब इसमें ऊपर से ऐड करूँगी जो मेरे घर में होते हैं मसाले, जैसे कि काली मिर्च का पाउडर, जीरे को भून के पीस के भी मैंने स्टोर करके रखा हुआ है वो, और हल्का सा काला नमक फॉर टेस्ट ऊपर से ऐड करने के लिए, तो वो मैं इसमें डाल लेती हूँ। साथ ही मैंने गैस में रख लिया है तवा, तवा को पहले हल्का सा गर्म होने देती हूँ, गर्म होने के बाद में उसमें घी लगा के मैं इसको सेकूँगी तो काफ़ी अच्छा क्रंची और क्रिस्पी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने फिर इनके ऊपर भी मैंने हल्का हल्का सॉस लगाया है और जो एक स्लाइस और थे जो ऊपर से हम ऐड करेंगे उसमें भी मैंने सॉस लगाया और उसको कर दिया बंद। अब मैं सीधा ले जाती हूँ उनको तवे के पास में। तो यहाँ पर मेरी तवा लगभग लगभग गर्म हो चुका है, तो तवे में मैंने एक चम्मच पहले डाला घी, उसमें एक डाल दिया इसमें स्लाइस, क्योंकि किंग साइज़ है तो एक बार तवे में एक ही स्लाइस आई थी ठीक से सेकने के लिए, और उसके बाद उसको दोबारा मैंने पलट दिया। अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैं तवा यूज़ करूँगी। और टेस्ट करने के लिए मैंने सनी को दिया फर्स्ट में कि बताओ कैसा हो रहा है, तो इसके लिए फिर इसमें मैंने एक छोटी सी स्माइली भी बनाई है सॉस के जरिए। तो ये दूसरा भी तत्व में डालती हूँ गैस में और ये मैंने बना दी उसके लिए स्माइली। अब सनी टेस्ट करके बताएगा कि कैसा बना है उसको, फिर अब टेस्ट करके मुझे बताएगा कि अच्छा हुआ कि ये कैसा लगा टेस्ट, कुछ नमक मिर्च कुछ कम तो नहीं, क्योंकि स्कूल लेके जाएंगे टिफिन में और क्विक नाश्ता है ये जल्दी बन जाता है, आधा घंटे के अंदर तैयार होके तैयार था। तो आप सुनते हैं सनी से। और इसकी आंखें बंद हो चुकी हैं, सो रहा है।